हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी मुंबई में अरबाज भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शादाब भाई, खैरियत से हैं अरबाज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अरबाज भाई, अभी मुंबई में अपन कौन सी जगह पर है? ये अपन है माहिम वांजावड़ी। ओके, और कब से है शौक ये बकरों का आपको? शौक तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपने से, थोड़ा अभी जैसी जैसी उम्र गई वैसे वैसे क्वालिटी वाइज में अपन ने वो करे। ठीक है, तो अभी कितने जानवर रखे अपनी जगह पे? अपनी जगह पे शादाब भाई अभी 8 जानवर है। 8 जानवर है, और 8ों के 8 जानवर जो है कुर्बानी के लिए, सब कुर्बानी के लिए। बेचने का इसमें कुछ भी बेचने नहीं, बेचने का कुछ सिर्फ एक शौक के परवस से अपन वीडियो बना रहे हैं ताकि पब्लिक को कम से कम शौक हो। शौक हो, ठीक है। तो कौन से बकरों से स्टार्ट करेंगे भाई? शादाब भाई ये सूरत से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे लेके जाओ आप इसको। माशाल्लाह, बहुत बड़े फ्रेम के अंदर है, सूरत बकरा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिक्स भी दिख रहा है मुझको ये। नहीं शादाब भाई, सोजत और पतीरा में शायद हाँ, पतीरा के अंदर ही, क्योंकि जो चेहरे का गुलाबीपन है और कानों की जो क्वालिटी है उससे बिल्कुल लग रहा है कि वो पतीरे की तरह, लेकिन पतीरे में इतनी हाइट आती नहीं है मेरे ख्याल से। जी शादाब, कितनी हाइट है इसकी? हाइट 41 है शादाब भाई। 41 की हाइट है, माशाल्लाह। और बकरे का वजन? वजन शादाब भाई अपन ने रमजानों में वेट किया था इसे, हाँ हाँ, कुछ 118 किलो आ रहा था। 118 किलो रमजानों में आ रहा था जी। तो अभी क्या लगता है, बड़ा है वेट कुछ? अभी बड़ा होगा, 2-5 किलो बड़ा होगा। 2-5 किलो, 122-120। कहाँ से परचेज किया है ये? शवाया गोल्ड फार्म। शवाया गोल्ड फार्म से लिया। कब लिया था बकरा? बकरा अपने वही रमजानों के बाद में लिया। रमजानों के बाद में लिया था आपने, और क्या डिटेल थी उस टाइम पे? यही थी डिटेल में, तो यही थी खाली वजन में 118 किलो, तो अभी कुछ बढ़ गया। प्राइस बताओगे कितने का लिया था? नहीं शादाब भाई, कुर्बानी का जानवर है, प्राइस नहीं बताओगे? प्राइस नहीं बताओगे कुर्बानी का, तो बस लोगों को शॉक करने के लिए वही हिसाब से अपन बताया। अभी बिल्डिंग के आसपास के लोग भी बड़े शौक से देखते होंगे कि यार हमारे एरिया के बकरे हैं। पहले दिन जिस दिन आते हैं तो मतलब मेला लगता है, सब बकरे देखने के लिए आते हैं। खासतौर से बच्चों की भीड़ लगी रहती है, बच्चे तो दिन भर अल्हम्दुलिल्लाह यही रहते होंगे। ठीक है भाई, ये हैदराबादी बकरा आगे लेके आओ, एक बहुत शानदार बच्चा है, आप ही दिखाओ मुझे यहाँ से बकरा। हाँ बस, अभी मुझे यहाँ से अरबाज भाई बताते रहेंगे, ये हैदराबादी है जी। जी शादाब भाई, कहाँ से परचेज किया ये? ये शादाब भाई अपने दोस्त है मीरा रोड में, हाँ हाँ, जकरिया गोल्ड फार्म है उनका। ठीक है, ये बकरा उन्हीं से लिया था अपने, जब लिया था 7 महीने का था। अच्छा, और ये पिछले साल अपन ने खरीदा था इसे, फिर एक साल इसको पलटी करे, ये बकरे को अपन ने चाप लगा दिया। अच्छा, पहले ये नर में ही था। तो अभी ये लास्ट टाइम कब आपने वेट चेक किया इसका? लास्ट टाइम शादाब भाई अपने इसको रमजान के पहले किया था, 115 केजी कुछ वेट था उसका। 115 केजी के आसपास था, माशाल्लाह बढ़िया बकरा है। मुझे तो लग रहा है भाई अभी और पलना चाहिए, क्योंकि बकरे के अंदर जो क्वालिटी है वो ऐसी है कि बकरा पल सकता है एक साल और। इतना चहिता हो गया सबका, क्या सब यही बोल रहे हैं कि एक साल इसको ज्यादा चांसेस है इसके पलटी होने, पलटी होने के। तो क्या लगता है, करना है कुर्बानी या पलटी करे हुए? इंशाल्लाह देखो अभी, हाँ हाँ, जैसे घर वाले बोलेंगे वैसा। सही है, नहीं अभी तो 2-3 दिन बचे हैं ईद के, और शादाब भाई अभी सिर्फ 22 महीने का। हाँ, कुछ नाम रखा है बकरे नहीं, का? नहीं, नाम कुछ भी नहीं रखा, किसी खाली बकरे का नहीं रखा, नहीं, नहीं, खाली हैदराबादी नाम से जो जात का, हाँ, 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 वो नाम से अपन बुलाते। अच्छा, अभी कुर्बानी का टाइम नजदीक आता है, तो कितना दिन पहले आप ले आते हो सारे बकरे? ये बकरे यहाँ पे करीबन 12 दिन पहले ले आते हैं। 12 दिन पहले से? 12 दिन मुझे लगता है काम धंधा सब बंद करके बकरों की सेवा करना पड़ती होगी। बराबर है भाई, सेकंड बकरा भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया दिखाया, हैदराबादी। इसके बाद क्या बताएंगे? शादाब भाई एकदम दिखाएंगे अजमेरा। ठीक है, उसको फ्रंट में ले आओ, इनको जाने दो अंदर। इतनी हाइट ये लेंथ में, हाँ हाँ, अजमेरा बहुत रेयर है। अच्छा, मेरे को तो नहीं लगता किसी के पास इतना बड़ा बकरा अजमेरा में होगा। नर्म ये नटिया है और बहुत अच्छी बनावट की है भाई। शादाब भाई ये तो हम लोग पिछले साल ऐसी कल्याण मंडी घूमने गए थे, हाँ हाँ, तो वो टाइम पे ये थोड़ा पसंद आ गई, जब इतना वेट में नहीं थी तो भाई अपने जो दोस्त का फार्म है मीरा रोड पे वहाँ पे अपन ने 1 साल इसको पलवा दिया। ठीक है, माशाल्लाह उसने रिजल्ट भी ऐसा दिए, अभी होगी वो 80 किलो के लगभग। ओके, जब ली थी कितना वजन था? 30-32 किलो था। माशाल्लाह बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया, क्योंकि ये रहते हैं शॉर्ट हाइट, तो इसके अंदर वेट थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, इसका नाम कुछ नहीं है अभी? नहीं, नटिया है। नटिया नाम, हर ब्रीड का एक एक बकरा है, तो आपने ब्रीड के हिसाब से नाम दे दिया, ब्रीड के हिसाब से नाम दे दिया, नटिया हैदराबादी। ठीक है भाई, इसके बाद ये बड़ा अजमेरा है, इसको भी लेके आइए आप। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत बड़े लंगर का है बकरा, फ्रेम में नहीं आ रहा मेरे वो अभी। अभी इसको अजमेरा ही बोलते हो आप? क्योंकि अजमेरा एक ही है मेरे ख्याल से ये कलर के अंदर। बहुत बढ़िया, क्या हाइट है इसकी? इसकी हाइट लगभग 45-46 की हाइट है। और बकरे में वजन? बकरे में वजन इसका भी रमजानों में वेट गया था, 136 केजी तक ही तुला था।
136 किलो रमजानों में आया, तो मेरे हिसाब से 140 बाहर होना चाहिए अभी, अभी आराम से 140। और क्योंकि भराई के बकरे तो है नहीं, 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 तो इसलिए इजीली खा लेते होंगे। ठीक है, कब से है अपने पास में बकरा? ये अपने से हो गया 1 साल के लगभग हो गए। एक साल से आपके पास में, माशाल्लाह। क्या डिटेल पे आया था ये बकरा? ये आने आया था 44 की हाइट थी और 1 क्विंटल का बकरा था। ठीक है, जकरिया भाई के यहाँ पला ये भी? अकील भाई नाम है उनका, अकील भाई के यहाँ। बहुत अच्छी पलाई थी, माशाल्लाह। तो बेहतरीन आपको रिजल्ट मिला वहाँ से, सारे बकरे सेल्फ फीडिंग पे बहुत अच्छे होके आ गए। और बकरा मेरे हिसाब से तो अभी भी पलना चाहिए, गुंजाइश है? इरादा था इसको पालने का, पैरों से थोड़ा मार खाया। अच्छा, पैर आपको कमजोर लगे? बराबर। कि ज़्यादा वेट जाएगा तो वो संभालेगा नहीं, तो और मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है भाई, जाने दीजिए इसको भी। और भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर बचे हैं, उनको भी कवर करते हैं अपन। माशाल्लाह, हाँ। ये कौन सा है भाई? दादा भाई ये सोजत है। सोजत के अंदर है जी। हाइट लेकिन बहुत बढ़िया निकाली बच्चे ने। इसकी हाइट देख के अबू ने बकरा खरीदा। क्या हाइट पे है अभी? ये है 46, वो अजमेर से 1 इंच ऊंचा है। माशाल्लाह 46 का है हाइट पे। और वजन बकरे में? वजन इसका होगा शादब भाई 122-123 किलो। अच्छा, अभी रिसेंटली परचेस किया? नहीं नहीं, ये भी मतलब रमजानों के टाइम पे परचेस किया। ओके, जकरिया फार्म से? नहीं, ये शवाया गुड फार्म से परचेस। अच्छा, मोहम्मद भाई के पास से लिया है, शवाया गुड फार्म। माशाल्लाह यार, ज़्यादातर मैंने देखा इस लुक के बकरे पंजाबी के अंदर आते हैं, लेकिन सोजत में ये लुक आना थोड़ा सा रेयर है। और हाइट भी शादब भाई इसकी इतनी हाइट नहीं आती, माशाल्लाह। उसको भी आप क्या बोलते हो, सोजत? सोजत ही बोलते हैं, सोजत ही बोलते हैं। ये भी बढ़िया चीज़ निकाली, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो ब्रीड है उसके नाम से पुकार लो, क्योंकि हर ब्रीड का एक एक बकरा अपने पास में हैगा अभी। बराबर, माशाल्लाह। ठीक है भाई, अभी और कौन कौन से जानवर बचे हैं? भाई अपने पास अभी एक सरदार जी बचा है। हाँ हाँ, तो पाकिस्तानी मक्की चीना पैटर्न में बोलेंगे उसको। हाँ, कलर उसका मतलब थोड़ा यूनिक है, मक्की चीना कलर में है बकरा। निकालो उसको भी फ्रंट में आप। माशाल्लाह, बस टर्न कर लो यहाँ, थोड़ा पीछे जाने दो, अब ठीक लगेगा भाई। बकरे के अंदर चौड़ान तो बहुत है सेल्फ फीडिंग के हिसाब से। बताएं आप इसके बारे में, से मक्की चीना बोलते होंगे आप? जी शादा भाई, ये एक्चुअली ये कलर हम लोग को पसंद आया था लेने के लिए। ये कलर में जल्दी पंजाबी बकरे मिलते नहीं। कहाँ से परचेस किया? ये देवगढ़ से किया शादा। कब किया ये? लगभग अभी 6 दिन या 7 दिन हो गए। अच्छा, तो अभी यार बड़े बकरे तो देवनार के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को धोखे आया। आपने कहाँ से निकाल लिया देवनार में? अगर भाई जैसी गाड़ी लगती है ना, धक्का गेट पे, वो टाइम पे हम लोग धक्का गेट पहुँचे। आप धक्के पे खड़े रहते हैं, गाड़ी लगी और सीधा जानवर उसमें से निकाल दिया जी, जो तो बड़ा जानवर समझ जाए। लेकिन वो टाइम पे मैंने देखा थोड़ा भाव ज्यादा बोलते हैं व्यापारी धक्का पे। साधब भाई लेने वाली चीज रहती है, मतलब जो पसंद आ गया फिर उसका पैसा गया। हाँ बराबर है। ठीक है, हाइट कितनी है इसकी? इसकी शादा भाई 45। माशाल्लाह, वजन कितना होगा? वजन होगा 128 किलो आराम से। 130 तो आना चाहिए, क्योंकि बकरे का फ्रेम इतना बड़ा है माशाल्लाह। इसके बाद ये बकरा बचा है, कवर किया अपन ने? नहीं, ये बकरा साधा बचा है। बचा है भी, इसको भी दिखाओ भाई, थोड़ा पीछे ले जाओ आप। आराम से, आराम से मारो नहीं। हाँ बताइए इसके बारे में भाई। ये गुजरी ब्रीड में, गुजरी ब्रीड के अंदर है जी सर। और हाइट में ये भी कम नहीं दिख रहा मुझे, हाइट में ये भी 45 है। 45 है माशाल्लाह। इसका सौदा साधब भाई अपना चल रहा था। हाँ, बकरा ईद से पहले। बेटा आप थोड़ा साइड से होंगे जी। तो जब व्यापारी ने दिया नहीं, फिर ये जब देवनार आ गया, देखा वो बकरा खराब हो रहा है, फिर इसे दिया। तो आपने देवनार से परचेस किया है? जी शादा भाई, 4 दिन या 5 दिन हुए इसको आके। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह बहुत बड़ा बकरा। तो अभी देवनार से यहाँ लेके आया जानवर, बिल्कुल सही सलामत पहुँचे अपने पास, सेट है? सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। पहले अपन जानवर लाके सबकी खूरे गर्म पानी से फिटकरी डाल के सफा कर लिए। जी जी जी, ठीक है अरबाज भाई, माशाल्लाह कलेक्शन बहुत बढ़िया है कुर्बानी का। कौन सा है बताएं, इसको भी निकालना। हाँ, सबसे खूबसूरत तो वही छोटे बकरों में, छोटा है लेकिन उसकी ब्यूटी एक अलग ही है। बस माशाल्लाह भाई, बकरा हाइट में जरूर कम है लेकिन बहुत लाजवाब चीज है एकदम, माशाल्लाह क्या बात है। बताएंगे कौन सा है ये? मतलब भाई ये गुजरी सोजत क्रॉस है, क्रॉस के अंदर है। ये पाला है या खरीदा है बकरा? ये भी शवाया गुड फार्म से लिए है। शवाया से लिया है ये माशाल्लाह, मोहम्मद भाई से। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है, वाइट आइस में और सिंग इसकी मतलब यूनिक है, जल्दी देखने में नहीं आती है सिंग।
मतलब बहुत अलग लुक का बकरा है। कमर के अंदर जो कमान आया है, चेहरा, सींग, पंच, ये सारी चीजें एक बकरे के अंदर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भाई। अभी एक बकरे में सारी खूबियां ढूंढोगे तो थोड़ा मुश्किल रहता है। थोड़ा हाइट में शॉर्ट है लेकिन कितने टाइम पहले लिया शवाया से? ये रमजान के बाद ही लिए, रमजान ईद के, लेकिन उठ के अभी आए 8-10 दिन पहले। बराबर जैसी बाकी चौकेट छोड़ा बहुत फुर्तीला बकरा है भाई, रुक नहीं रहा है ना। सब सेल्फ फीडिंग के चादर पर, इसलिए इतनी चटकी है जानवर माशाल्लाह। अगर कोई आना चाहता है भाई, विजिट करना चाहता है शौक के लिए, अगर मान लो कोई हमारा शौकीन सब्सक्राइबर है, सबको वेलकम है शादाब भाई। जो कोई भी चाहता है आइए यहाँ पे बकरे देखिए, हर साल एक से एक आते हैं जानवर। इंशाल्लाह अगले साल भी आप ही शूट करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अरबाज भाई माशाल्लाह बहुत बढ़िया बकरों का कलेक्शन है, मज़ा आया देख के। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर मिलेंगे फिर नए बकरों के साथ। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।